सत्ता में अब एक तूफानी वीडियो कुंजी खोलते हैं जो हमारे वैज्ञानिकों की ऐसी कामयाबी से जुड़ी है जो किसी करिश्मे से कम नहीं है, जिसे सुनने और देखने के बाद आप भी कहेंगे ये कमाल बेमिसाल है। इस कुंजी में ओडिशा के तूफानी मैनेजमेंट वाले गुण भी हैं जो दुनिया के दूसरे देशों के लिए मॉडल बन सकते हैं। आपने पिछले कुछ दिनों में ओडिशा समेत कई राज्यों में दाना तूफान वाली दहशत देखी होगी, जिसे लेकर लोग बहुत डरे हुए थे क्योंकि आशंका थी जब ये तूफान ओडिशा से टकराएगा तो बड़ी तबाही होगी। लेकिन शुभ समाचार ये है कि हमेशा की तरह एक बार फिर ओडिशा ने इस तूफान को हरा दिया और इस जीत में संकट मोचक बने हैं इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के दो सैटेलाइट, जिनके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दाना तूफान के कुछ वीडियो देखिए जो कल रात करीब 1 बजे ओडिशा के धामरा पोर्ट पर लैंड हुआ और करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओडिशा से गुजरा। इस दौरान जबरदस्त बारिश हुई, कई बड़े पेड़ टूट गए, बिजली के खंभे गिर गए। लेकिन शायद आपको जानकर यकीन ना हो, इस प्रचंड तूफान के बावजूद ओडिशा में किसी भी शख्स की जान नहीं गई और इसके पीछे वजह है ओडिशा का तूफानी मैनेजमेंट, क्योंकि करीब 10 लाख लोगों को पहले ही सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया था। लेकिन ओडिशा ने यह चमत्कार किया कैसे, ये बताने से पहले हम आपको एक वीडियो रील दिखाते हैं। रात के 2 बज रहे हैं और दिखाई भारत वर्ष की टीम भद्रक जिले के धामरा इलाके में मौजूद है और यहाँ पे विंड की रफ्तार जो है वो 104.56। मैं आपको ये तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे दिख रहा है दाना तूफान विंड स्पीड 65 KT, इसका मतलब 104.56 किलोमीटर की रफ्तार से यहाँ पे अभी हवाएं चल रही है। तो जिस सेंटर बनाया गया था, एपी सेंटर जिसको बोला गया था लैंडफॉल का, वो इस वक्त हमारा गांव धमारा समेत है और ये यहाँ पे हो चुका है। धमारा पोर्ट है, पोर्ट के पास की ये तस्वीर है। हम होटल में ही हैं, होटल के पास से आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कार खुद पर खुद जो है ये सायरन बज रहा है और ये हवा इतनी तेज है कि कार इसके थपेड़ों को नहीं रोक पा रही है और ये बार बार सभी से ये सायरन दे रही है। ये स्थिति आपको धमारा पोर्ट के पास की स्थिति है, ये होटल के पास की स्थिति है। यदि आप आगे जाएंगे, आगे से मेरा मतलब है कि जहाँ पे समंदर है वहाँ जाएंगे तो वहाँ की स्थिति और भी ज़्यादा भयानक है। करके जो मकान है, मिट्टी के छोटे मकान है, जो कच्चे मकान है, उन मकानों की हालत ज़्यादा खराब है और निश्चित तौर पे वैक्यूएशन का काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस किया गया है। जो हमें जानकारी मिली है आसपास के कुछ इलाकों में पेड़ पौधे वगैरह भी गिर गए हैं। दीघा में इस वक्त बहुत तेज हवा चल रहे हैं, जैसे कि आपको मुझे देख के समझ में आ रहा होगा कि दीघा में बहुत हवा तेज चल रहे हैं। ये देखिए ये सारे कंक्रीट के जो कंक्रीट्स है, ये जो स्लैब्स है, ये कैसे उलट पुलट हो गया है। कल रात को वैसे रखा हुआ था जो कि वहाँ पे पूरा ठीक तरीके से रखा हुआ है उसको, लेकिन पानी का बहाव से ये पूरा उलट गए हैं। और यहाँ पे कंक्रीट्स देखिए, आपको दिखाना चाहते हैं ये जो कंक्रीट्स हैं ये सारे यहाँ पर लगे हुए थे, लेकिन वो पानी का बहाव से वहाँ पर चला गया है। ये बात सच है कि तैयारियां जबरदस्त थी, सरकार और सिस्टम पहले से अलर्ट था, लेकिन क्या आप जानते हैं उन्हें किसने बताया कि दाना आ रहा है? चिंता वाला अलार्म सबसे पहले बजा कहां से? तो जवाब है आसमान से, जहां इसरो के दो सैटेलाइट संकट मोचक बनकर तूफान के पल पल का अपडेट केंद्र सरकार और मौसम विभाग के साथ दूसरे राज्यों तक पहुंचा रहे थे, जो 19 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक बंगाल की खाड़ी में होने वाली हर हलचल को ट्रैक कर रहे थे। इससे पहले सैटेलाइट का नाम है EOS-06, जबकि दूसरा सैटेलाइट है INSAT-3DR, जिसे भारतीय वैज्ञानिकों ने कुछ इस तरह से तैयार किया है कि कहीं पर गलती की कोई भी गुंजाइश ना रहे।
ये दोनों सैटेलाइट ही अंतरिक्ष से लगातार तूफान को ट्रैक करते रहे और मौसम विभाग को रियल टाइम अपडेट देते रहे। इसीलिए आज इसरो के इस कमाल की बात करना जरूरी है। हम आपको अब ये बताते हैं कि आखिर इन दोनों सैटेलाइट्स ने कैसे तीसरी आंख बनकर अपना किरदार निभाया और ओडिशा को बचाया। जैसे EOS-06 सैटेलाइट में स्ट्रैटोमीटर सेंसर नाम का यंत्र लगा हुआ है, जिसने समंदर के ऊपर चलने वाली समुद्री हवाओं की जानकारी दी। जैसे ही इन हवाओं का सर्कुलेशन बढ़ा, इस सैटेलाइट ने साइक्लोन बनने पर तुरंत मौसम विभाग को अलर्ट किया। इसमें दूसरे सैटेलाइट का नाम है INSAT-3DR, जिसने बादलों के बनने की पल पल की प्रक्रिया को ट्रैक किया, भारत के ऊपर बदलते मौसम की स्टडी की और फिर इसकी गणना करके बताया कि तूफान बन रहा है या नहीं। और इस तरह इन दोनों सैटेलाइट्स ने दाना तूफान को हराने में कामयाबी हासिल की। वैसे तो कोई भी तूफान आता है तो तटीय राज्यों पर इसका सबसे ज्यादा असर दिखता है, लेकिन किसी भी साइक्लोन का सबसे ज्यादा इफेक्ट ओडिशा पर ही पड़ता है और यहां करीब 100 साल से 250 से ज्यादा तूफान आ चुके हैं। इस बार भी खतरा बड़ा था, लेकिन ओडिशा ने जिस तरह से इस तूफान का मैनेजमेंट किया और एक भी मौत नहीं हुई, उसकी तारीफ तो बनती है। शायद हमारे बहुत न्यूज मित्रों को यह पता ना हो, ओडिशा में वर्ष 1999 में एक भयानक तूफान आया था जिसे नाम दिया गया था सुपर साइक्लोन। इस तूफान में 9,885 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 4.5 लाख जानवर मारे गए थे। इतना ही नहीं, 17,000 से ज्यादा स्कूल और 12,000 किलोमीटर की सड़क भी बर्बाद हो गई थी। और तभी ओडिशा की सरकार ने एक तूफानी संकल्प लिया और जीरो कैजुअल्टी वाला टारगेट सेट किया। ओडिशा देश का पहला ऐसा राज्य बना जहां ओडिशा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया। लेकिन ओडिशा में तूफान से लड़ने की तैयारी सिर्फ यहीं तक नहीं थी। इसके बाद ओडिशा ने जो किया, उसका परिणाम उसे आज भी मिल रहा है। 1999 के तूफान से सबक लेते हुए सरकार ने जमीनी स्तर पर जाकर लोगों को ट्रेनिंग दी। लोगों को प्राकृतिक आपदाओं को लेकर जागरूक किया गया। अब भी ओडिशा में साल में 2 बार जून और नवंबर में मॉक ड्रिल की जाती है और ये ओडिशा सरकार की वर्षों की मेहनत का नतीजा था कि तूफान में होने वाली मौतें अचानक से एकदम कम हो गई। 2013 में ओडिशा में फेलिन नाम का तूफान आया जो 1999 के तूफान के जैसा था, लेकिन सरकार की तैयारी थी तो उसने पहले ही 11 लाख लोगों को प्रभावित इलाकों से बाहर निकाल लिया। इसका नतीजा ये हुआ कि उस तूफान में 44 लोगों की ही मौत हुई। इससे भी ज्यादा 23 मौत तूफान के बाद आई बाढ़ में हुई। तब इस मैनेजमेंट के लिए ओडिशा सरकार को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सम्मानित भी किया गया था। इसी तरह ओडिशा में 2014 में हुदहुद तूफान आया जिसमें सिर्फ 2 मौतें हुई, जबकि 2019 में आए फेनी तूफान से पहले भी ओडिशा सरकार ने 12 लाख से ज्यादा लोगों को प्रभावित इलाकों से बाहर निकाला और इसमें भी जान माल का नुकसान बहुत कम हुआ। लेकिन सिर्फ लोगों को ट्रेनिंग देने से तूफान से निपटा नहीं जा सकता, इसके लिए सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने ओडिशा में पूरी कोस्टल लाइन में एक रोड नेटवर्क तैयार किया जिसके इस्तेमाल लोगों को प्रभावित इलाकों से सुरक्षित निकालने में किया जाता है। इसके साथ ही ओडिशा में 800 से ज्यादा शेल्टर होम बनाए गए। तटीय गांवों में समंदर के पानी को घुसने से रोकने के लिए तटबंध बनाए गए। गांवों में जो लोग कच्ची झोपड़ियों में रहते हैं उनके लिए घर तैयार किए गए, जबकि तटीय इलाकों के 1200 गांवों में वार्निंग सिस्टम भी लगाया गया है जो बाढ़, तूफान या आपदा आने की स्थिति में सायरन बजाकर अलर्ट करता है। इसके अलावा 120 से ज्यादा तटीय इलाकों में मॉनिटरिंग टावर भी लगाए गए और इसी इंफ्रास्ट्रक्चर के दम पर अब ओडिशा तूफान से टकराने वाला और उसे हराने वाला चैंपियन बन चुका है। जानमाल की क्षति नहीं हुई और सरकार की जीरो कैजुअल्टी का लक्ष्य भी हमारा संपूर्ण रूप से पूरा हुआ और संपत्ति का भी कोई नुकसान नहीं हुआ। लगभग 6 लाख लोगों का सुरक्षित स्थानों को स्थानांतरित किया गया है। करीब 6,000 गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य केंद्रों में स्थानित किया गया है। इसमें से 1600 स्वस्थ शिशुओं का भी जन्म हुआ। एयरपोर्ट में फ्लाइट सर्विस बिल्कुल अभी नॉर्मल है।